नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, वो गार्ड साहब ने कहा था कि आपको काम वाले की ज़रूरत है, तो इसलिए हम आए हैं। हाँ, मैंने कहा था, अंदर आ जाओ। अरे एक सेकंड, ये चप्पल क्यों उतार रहे हो? बहुत ठंड हो रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। एक काम करो, इसे पहन के अंदर आ जाओ। ठीक है दीदी। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हो? ऊपर बैठो ना। नहीं दीदी, हम यहाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं, नीचे कैसे बैठोगे? जब मैंने तुम्हें चप्पल नहीं उतारनी दी तो मैं नीचे कैसे बैठने दूंगी? कितना मौसम ठंडा हो रहा है, मैंने तुमसे बोला ना, ऊपर बैठ जाओ प्लीज। देखो, मेरी जो पिछली मेट थी उसे मैं महीने का 6,000 रुपए दिया करती थी। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बताओ। ठीक है दीदी। दीदी आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में ज्यादा लोग नहीं है, बस मैं, मेरे हस्बैंड और पापा जी हैं। और तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन और साफ सफाई भी करनी होगी। ठीक है दीदी, हो जाएगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम देखने में काफी कम उम्र के लग रहे हो। वो दीदी मेरी छोटी सी उम्र थी और उसी टाइम मेरे माँ बाप की ना डेथ हो गई, जिसके बाद ना सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका रहन सहन सब मेरे ऊपर आ गया। तो मैं ही काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। लोगों के घर घर में जाके मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने काफ़ी कम उम्र में ही घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ ले रखी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं चाय बनाने जा रही थी, तुम पियोगे चाय? दीदी हम? हाँ तुम, पीनी है चाय? मैं लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये ग्लास वाला मत लो, कप में ले लो। वो क्या है ना, पापा जी को बचपन से ही आदत है ग्लास में पीने की, और हमने उनको कई बार बोला है कि कप में पी लिया कीजिए, पर नहीं, उन्हें तो ग्लास में पीनी होती है चाय। आप ये कप वाला ले लो। वो दीदी हम जहाँ भी पहले काम करते थे ना, वहाँ लोग हमें स्टील के बर्तन में ही खाना देते थे, या तो टूटे फूटे बर्तन में खाना देते थे, कभी ऐसे कप में चाय पीने के लिए नहीं देते थे। तो हमें भी लगा कि आप भी ऐसी होंगी, उसी वजह से हम स्टील के बर्तन खा रहे थे। देखो, मुझे और लोगों का तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वैसे भी हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे तुम कप में पियो या ग्लास में, वो तुम्हारी मर्जी है। दीदी आप ना सच में बहुत अच्छे। दीदी जब मैं आया तो आपने मुझे चप्पल उतारने से भी मना कर दिया, आपने मुझे चप्पल में ही घर में घुसा लिया। और तो और जब मैं नीचे बैठ रहा था, जैसे सभी के घर में नीचे बैठता हूँ, लेकिन आपने आपने मुझे इतने महंगे सोफे पर बिठाया, आपने मेरा इतना आदर किया, सम्मान किया, ऐसा मेरे साथ कोई नहीं करता। सच में दीदी आपसे आज बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छी है दीदी, लोगों को समझती है। अब आप ही बताइए ना, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, हमें भी तो इतनी इज्जत मिलनी चाहिए ना, इतनी लोगों को मिलती है, लेकिन शायद हमारा काम छोटा है, इसी वजह से ना लोग हमारी इज्जत नहीं करते। लेकिन आपने हमारी इज्जत की, हमें बहुत अच्छा लगा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखो तुम बस अपना काम कर रहे हो, और वैसे भी सभी अपना काम करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, तो जितनी रिस्पेक्ट मैं खुद की करती हूँ ना, उतनी तुम्हारी भी करूँगी। तुम परेशान मत हो, तुम कल से काम पर आ जाना। और हाँ, तुम्हें ना बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो बाकी जगह का तो नहीं पता, पर तुम यहाँ आराम से काम कर सकते हो। अरे देखो, बातों बातों में मैं पापा जी की चाय देना ही भूल गई, अभी चाय देकर आती हूँ।